हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश पाटिल, वेलकम टू मैथ्स क्रिएटर। आज हम कॉचिज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि तुमको एग्ज़ाम में ऐसा पता ही नहीं रहेगा कि ये कॉचिज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना है। तुमको पहचानना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम जो है कॉचिज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसा दिया नहीं रहेगा कि सॉल्व बाय कॉचिज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, तुमको सिर्फ दिया रहेगा सॉल्व, ठीक है। तो तुमको पहचानना पड़ेगा कि ये कॉचिज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है कॉचिज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वही लिखा है, टू सॉल्व द इक्वेशन एक्स की पावर में एन डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन प्लस ए वन एक्स की पावर में एन माइनस वन डी रेस टू एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर में एन माइनस टू डी रेस टू एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस एन वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इस कॉल कॉचिज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तुमको बताना चाहता हूँ मैं, इससे पहले हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में डिस्कस किया था, तो उसकी वीडियो लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। उसके वीडियो लेक्चर्स अगर नहीं देखे होंगे तो वो वहाँ पे जाके देख लेना, आई टैब, यहाँ पे आई टैब में देख लेना तुमने, मैं उसकी वीडियो लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो भी टर्म रहती थी डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रहती, तो यहाँ पे फ्री रहता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, तुमको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे एक्स की पावर में एन है, तो यहाँ पे भी क्या दिखेगा तुमको, एक्स की पावर में एन। यहाँ पे x की पावर में n माइनस वन है, तो यहाँ पे भी क्या दिखेगा, x की पावर में n माइनस वन। तो तुमको पहचानना ही ऐसा है, यहाँ पे जो दिया रहेगा यहाँ पे भी दिया रहेगा, तो एक कॉचिज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ से तुम उसको पहचान लोगे, ठीक है। तो इसके बाद इसकी जो प्रोसेस होती है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, फर्दर वही प्रोसेस हम बार बार अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं उस प्रोसेस कैसे, इसका वर्किंग रूल कैसा है सॉल्व करने का, वो बताना चाहता हूँ। तो ये एक हमारा क्या होता है, कॉचिज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है। वेयर जो हमारा x होता है, ये क्या होता है, x इज अ फंक्शन ऑफ x, ये जो x होता है इज अ फंक्शन ऑफ x लाइक दिस, मतलब साइन x, कॉस x, लॉग x, ठीक है। जैसे हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमें लगते थे, वैसे ही हमारा यहाँ पे भी x क्या होता है, फंक्शन ऑफ x होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जो x होता है ना, यहाँ पे वही यहाँ पे x का फंक्शन होता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो साइन x हो सकता है, लॉग x हो सकता है, x हो सकता है, ठीक है। तुमको एग्जांपल में पता चल जाएगा। एंड ए आईज आर कॉन्स्टेंट, जो हमारे ए वन ए टू अप टू ए एन जो ए आईज होते हैं, क्या होते हैं, हमारे कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट की, ठीक है। टू रिड्यूस सच ए इक्वेशन टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट, तो इसको रिड्यूस करने के लिए कैसी प्रोसेस है, कैसे अप्लाई किया जाता है, वो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको समझ लो स्टूडेंट्स, इसको बार बार हम अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास ऐसा कॉचिज लीनियर डिफरेंशियल होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन रहेगा, तो हम क्या करेंगे, सीधा पुट एक्स इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे, ई रेस टू जेड, क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू जेड, दैट इम्प्लाइज हमें जेड क्या मिलेगा, लॉग एक्स, ठीक है। ये कैसे आया मैं तुमको बताना चाहता हूँ, कैसे आया, यहाँ पे टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लॉग दोनों साइड नेचुरल लॉगरिथम अप्लाई करो, तो लॉग ऑफ ई, यहाँ पे क्या है एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ ई, और ये क्या है, ई की पावर में जेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ ई एक्स वैसा की वैसा, ठीक है, लॉग ऑफ ई एक्स वैसा की वैसा। अभी हमारे लॉग का नियम होता है कि यहाँ पे जो जेड रहता है वो आगे आ जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, जेड लॉग ऑफ ई, और ये हमारा ई वैसा की वैसा, और लॉग ऑफ ई टू दी बेस ई क्या होता है हमारा, पर इसकी वैल्यू क्या होती है, वन हो जाती है। तो क्या होता है, जेड इंटू वन क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ जेड बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ इसको लॉग एक्स भी लिख सकते हैं ना, तो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, सिर्फ जेड बच जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आया है, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया हमारे यहाँ पे, जेड आया है, ठीक है, इस प्रकार। तो हम सीधा एक्स इक्वल टू ई रेस टू जेड, दैट इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम सीधा, लॉग एक्स, ठीक है। तो इस प्रकार आया हूँ। देन यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, रिप्लेस, इस टाइम में रिप्लेस जहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स दिखेगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स दिखेगा, वहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, डी कैपिटल डी ऑफ वाई, ठीक है। एंड एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स से स्क्वेयर दिखा, तो वहाँ पे क्या पुट करेंगे, डी इन ब्रैकेट डी माइनस वन वाई एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाएंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स क्यूब
डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब दिखा, तो तुम क्या करोगे, डी इंटू डी माइनस वन और आगे कौन सा लेंगे अभी डी माइनस टू वाई, ठीक है। इस प्रकार अगर फोर्थ दिखा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा डी माइनस थ्री वाई, ठीक है। इस प्रकार बढ़ाते जाएंगे हम, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करने का तरीका है हमारा, ठीक है। जहाँ पे भी एक्स डी वाई बाई डी एक्स दिखा तो हम इसको यहाँ पे सीधा रिप्लेस करेंगे। वेयर जो हमारा डी रहता है स्टूडेंट्स, जो डी होता है कैपिटल डी, वो रहता है हमारा डी बाई डी जेड, ठीक है। तो आगे तुमको पता चलेगा कैसे होता है, ठीक है, लेकिन हम सीधा रिप्लेस इसको इस प्रकार करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस ध्यान में रखो, हम सीधा इसको रिप्लेस इस प्रकार करेंगे। पुट पहले में क्या करेंगे, ई रेस टू जेड, दैट इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। और यहाँ आप इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे और इसकी जगह पे डी इन टू डी माइनस वन वाई पुट करेंगे, और एक्स की क्यूब दिखा तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब दिखा तो वहाँ पे क्या करेंगे डी इन टू डी माइनस वन इन टू डी माइनस टू वाई, ठीक है। अब तुमको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, ये रिप्लेस करने का हमारा तरीका होता है। देन सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यूज, जो हमारी ये वैल्यूज़ निकलेंगी, ये जो सभी वैल्यूज रहेंगी, इन सभी वैल्यूज़ को किस में पुट कर देंगे हम, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। जो कॉचिज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन रहेगा उसमें हम उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। देन सॉल्व वी गेट डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट, तो उसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट, जिसके बारे में मैं तुमको बता रहा था, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट कैसे होता है उसको सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स, अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे तुमको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार इसको सॉल्व किया जाता है, इस टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, कॉचिज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है हमारे सामने, क्या दिया है, सॉल्व एक्स स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर है ना, ध्यान से देखो, इधर एक्स स्क्वायर मैंने बोला था ना, यहाँ पे जो दिखेगा वो यहाँ पे दिखेगा तुमको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है कॉचिज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, तुमको पहचानने में आसानी हो गई होंगी अभी, ठीक है। इससे पहले हम जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे हमेशा टर्म फ्री रहती थी, यहाँ पे कुछ ही नहीं दिया रहता था, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट हमेशा फ्री रहता है। लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट पे इसके पास क्या आ गया, अभी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो दिया रहता है यहाँ पे वही दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है, इस प्रकार। देन अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने तुमको बोला था, जो गिवन है वो वैसा के वैसा लिखा, गिवन जो इक्वेशन दिया था उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, ठीक है। देन तुमको बोला था मैंने पुट क्या करने को बोला था, एक्स इक्वल टू क्या पुट करने को बोला था, ई रेस टू जेड, ठीक है, याद है ना, पुट एक्स इक्वल टू ई रेस टू जेड, दैट इम्प्लाइज जेड इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। और एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे डी वाई, और एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वेयर की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, डी इन टू डी माइनस वन वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं वही पुट कर रहा हूँ, पुट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, पुट एक्स इक्वल टू ई रेस टू जेड, क्या पुट किया, x इक्वल्स टू ई रेस टू जेड, दैट इम्प्लाइज यहाँ पे ध्यान से देखो, z इक्वल्स टू हमें क्या मिलता है, log ऑफ x, क्या मिलता है, log ऑफ x, सो दैट अभी क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, सो दैट यहाँ पे x dy वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करने को बोला था मैंने, dy, क्या dy, और x स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की जगह क्या पुट करने को बोला था मैंने, डी इन टू डी माइनस वन वाई, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना सीखा था, ठीक है, इस प्रकार सब्सटीट्यूट किया जाता है। देन सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो सभी वैल्यूज है, इन सभी वैल्यूज को कहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, इस इक्वेशन फर्स्ट में उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। देन वी हैव, हमें क्या मिलता है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या मिल रहा है हमें, देन वी हैव पुट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा ए वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू कितनी है, डी इन टू डी माइनस वन वाई, ठीक है। अभी यहाँ पे इसमें पुट कर रहे हैं ना हम, तो इसकी जगह पे ए वाला वैल्यू पुट हो जाएंगे, तो वही लिखा है मैंने, डी इन टू डी माइनस वन वाई, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, माइनस का थ्री, वैसा कि वैसा, ठीक है। और देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, डी वाई, तो ये डी वाई, ठीक है, प्लस प्लस फाइव वाई, प्लस फाइव वाई, ठीक है। और x, x की जगह क्या पुट करना है हमें स्टूडेंट्स, ई रेस टू जेड, तो ई रेस टू जेड, ये x का क्या है, स्क्वायर है, तो ई रेस टू जेड का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। साइन,
लॉग एस की जो क्या पीडीएफ करना है स्टूडेंट्स, लॉग एस क्या हो जाएगा हमारा जेड, तो साइन क्या हो जाएगा जेड। यहाँ तक तुमको क्लियर हो गया होगा, अब तुमको यहाँ तक तुमको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये सभी सब्स्टिट्यूट करने के बाद ध्यान से देखो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो। अभी दैट इम्प्लाइज मैंने क्या किया, इधर भी वाई दिख रहा था, इधर भी वाई दिख रहा था, इधर भी वाई दिख रहा था, इन सब में से मैंने वाई को बाहर निकाल लिया ब्रैकेट में से, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकाल लिया वाई, तो यहाँ पे डी का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, डी का स्क्वायर होगा, डी का वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस का डी होगा, ठीक है। ये वाई यहाँ से बाहर निकल गया है, वाई यहाँ से बाहर निकल गया है, वाई यहाँ से बाहर निकल चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा माइनस का थ्री डी और यहाँ पे क्या बचा प्लस का फाइव, ठीक है, ये डी सही इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ई रेस टू जेड का स्क्वायर है, तो ई रेस टू ट्वाइस जेड होगा ना, ये टू क्या होगा ऊपर से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ई रेस टू टू जेड लिख सकते हैं इंटू साइन जेड वैसा की वैसा, ठीक है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, डी का स्क्वायर माइनस माइनस डी और माइनस थ्री डी कितने हो गए माइनस फोर डी, क्योंकि माइनस डी और माइनस थ्री डी कितने हो गए माइनस फोर डी हो गए प्लस फाइव, ठीक है। ई रेस टू ट्वाइस जेड इंटू साइन जेड वैसा की वैसा, ठीक है। दैट इज अभी हमें पता था इस टाइप, जब भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करते थे तो हम इसको क्या बोल देते थे, हम इसको एफ ऑफ डी, ठीक है, और इसको क्या बोलते थे हम वाई। अभी उस टाइम पे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एक्स की टर्म आती थी तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे कैपिटल एक्स लिखते थे, याद आ रहा है ना, इसको क्या बोलते थे हम कैपिटल एक्स, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे हमारी यहाँ पे एक्स की टर्म आती तो हम तो कैपिटल एक्स लिखते थे, पर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ जेड की टर्म आ रही है, किसकी जेड की, तो किसको लिखा मैंने कैपिटल जेड को लिखा, तो ठीक है। तो राइट साइड जो रहेंगी हमारी कैपिटल जेड मानेंगे इसको, ठीक है, आगे पता चल जाएगा किसे सॉल्व करना है। सो यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद हम क्या निकाल देते स्टूडेंट्स, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन, याद आ रहा है ना, इस प्रकार, ठीक है। देन इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अभी यहाँ पे क्या हो जाता था स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फाइव है, तो यहाँ पे d की जगह क्या रिप्लेस कर देते थे हम m, ठीक है, m स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। अभी यहाँ पे हमारे फैक्टर्स नहीं गिर रहे स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, ठीक है, रूट निकालने का फार्मूला। तो हमारा वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला रहता था तो कैसा रहता था, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइप से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसा रहता है तो यहाँ पे a, तो m जो है हमारा m की वैल्यू कितनी है x मान लो, ठीक है, m, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, m का कोएफिशिएंट कितना है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, या a की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, फिर a की वैल्यू कितनी आ जाएंगी वन, ठीक है। देन x मतलब em यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएंगी स्टूडेंट्स, b की वैल्यू कितनी आ जाएंगी माइनस का फोर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इसके साथ इसको कंपेयर करो। और c की वैल्यू कितनी आ जाएंगी स्टूडेंट्स, प्लस फाइव, c की वैल्यू कितनी आ जाएंगी प्लस फाइव, और हमारा ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे x अगर इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे क्या आ जाता हमारा x, लेकिन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, em ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, जब उसके रूट निकालते हैं तो क्या होगा ये फार्मूला, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस ए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, एम इज इक्वल टू माइनस वैसा कि वैसा, बी की वैल्यू कितनी बोली मैंने माइनस का फोर, उसको रख दिया प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी की वैल्यू कितनी है माइनस का फोर, माइनस फोर का क्या है स्क्वायर है, और ये माइनस फोर वैसा कि वैसा, ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स वन, ठीक है, इंटू सी की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स फाइव, ठीक है, वो सब वैल्यू रखने के बाद टू इंटू ए टू इंटू वन, ठीक है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एम इज इक्वल टू ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का फोर वैसा कि वैसा, प्लस और माइनस, अभी ये माइनस फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन, माइनस फोर इंटू माइनस फोर कितना होता है सिक्सटीन, ठीक है, प्लस सिक्सटीन और माइनस फोर इंटू फाइव कितना होगा स्टूडेंट्स ट्वेंटी, ठीक है, फोर इंटू वन फोर, फोर इंटू फाइव ट्वेंटी, ठीक है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, फोर प्लस और माइनस, अभी ये सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी कितने होंगे माइनस का फोर होगा, कितना होगा माइनस फोर अपॉन टू, ठीक है। अभी एम इज इक्वल टू फोर प्लस और माइनस, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है तुमको बताया था मैंने, जब जब हमारा यहाँ पे अंडर रूट में अगर माइनस रहता है तो हमारे कॉम्प्लेक्स रूट निकलने के चांसेस रहते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स रूट ही निकलते हैं ना, तो अंडर रूट ऑफ माइनस वन क्या होता है आयोटा होता है, इसलिए इस अंडर रूट ऑफ माइनस वन है ना यहाँ पे,
ये क्या है, अंडर रूट ऑफ माइनस वन है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, माइनस फोर, अंडर रूट ऑफ माइनस फोर का मीनिंग क्या होता है, अंडर रूट ऑफ माइनस वन इंटू फोर, ऐसा है ना। और अंडर रूट ऑफ माइनस वन की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, आयोटा, कितनी होती है आयोटा। और अंडर रूट ऑफ फोर कितना होता है स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ फोर कितना होता है टू, तो वही लिखा है आयोटा इंटू टू, ठीक है। यहाँ तक तुमको समझ में आ चुका है, तो अभी यहाँ से इसको काटो, इसके डिवाइडेड में आ जाएगा फोर, फोर डिवाइडेड बाई टू कितना हो गए, दो से काटेंगे तो टू बच जाएगा, और ये टू से टू गेट कैंसिल, कितना बच जाएगा यहाँ पे वन, टू इंटू टू कितना होता है वन, ठीक है, टू से टू गेट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, वन बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वन लिख देता हूँ मैं लगे तो, ठीक है। अभी यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे कौन से रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट, कौन से रूट है हमारे कॉम्प्लेक्स रूट, कौन से रूट है हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आप इसको कंपेयर करते हैं, हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस और माइनस आयोटा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितने आ जाएंगे टू, और बीटा की वैल्यू कितने आ जाएंगी वन, आयोटा, आयोटा का कोएफिशिएंट कितना है वन है ना, तो बीटा की वैल्यू कितने आ जाएंगी वन, ठीक है। देन हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, सी एफ, सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, इसका हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। जब भी हमारे कॉम्प्लेक्स रूट है तो क्या करते हैं हम, सी वन कॉस बीटा, अभी ध्यान से देखो ये स्टेप, यहाँ पे हम x लेते थे जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट सॉल्व करते थे ले आके, लेकिन यहाँ पे मैंने z लिया है, तो यहाँ पे z क्यों लिया है तुम्हारे मन में अभी सवाल उठ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमारी जो राइट साइड थी, तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे क्या आ गया, अब हमारा z आ चुका है, इसलिए मैंने x की जगह पे क्या लूँगा, अभी यहाँ पे z लूँगा, ठीक है। तो c1 cos बीटा z, तुमको ये भूलना नहीं है, ठीक है। जब जब कॉचिज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे तब सी एफ लोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लोगे, तब यहाँ पे सी वन कॉस बीटा जेड लोगे, एक्स नहीं लोगे, ठीक है। इसको बाद में हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है, जब फाइनल आंसर आएगा तब रिप्लेस करेंगे, लेकिन ये समझ लो, ठीक है। कॉस बीटा जेड प्लस सी टू साइन बीटा जेड, ई की पावर में अल्फा एक्स लिखते थे हम, लेकिन यहाँ पे अल्फा जेड आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, क्या होता है सी एफ होता है कॉम्प्लेक्स रूट के लिए, ठीक है। देन सी एफ इज इक्वल टू सी वन कॉस, यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, वन थी, तो इसलिए कॉस जेड हो गया सीधा, ठीक है। वन इंटू जेड कितना होता है जेड ही होता है, प्लस सी टू साइन बीटा की वैल्यू वन थी तो साइन जेड हो गया, और अल्फा की वैल्यू कितनी थी टू थी, तो ई रेस टू टू जेड हो गया, ठीक है। अभी यहाँ से नाउ पी आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, पी आई क्या होगा, वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू जेड, ठीक है। यहाँ पे एक्स लिखते थे, याद आ रहा है ना तुमको, इन टर्म्स ऑफ एक्स रहता था तो इसलिए एक्स लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम अभी क्या लिख रहे हैं, जेड लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा राइट साइड में जो है, यहाँ पे हमारा इन टर्म्स ऑफ जेड में वैल्यू आई है, ठीक है, क्या आई है, ई रेस टू ट्वाइस जेड इंटू साइन जेड, तो वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है। अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए कैसे सॉल्व करते हैं तुमको पता है, ठीक है। जब हमारा इस टाइप का पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने का रहता है तो हम क्या करते हैं, इस ई रेस टू टू जेड को आगे ले जाते हैं, वो ये जो टू है जहाँ पे डी है उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, याद आ रहा है ना, तो इस टू को हम वहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारी टेक्निक होती है पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करने की, मतलब ये हमारा रूल ही होता है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। अभी इस ई रेस टू टू जेड को आगे ले जाओ, ठीक है, आगे ले गए, वन अपॉन यहाँ पे जहाँ पे डी है वहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्लेस, इस टू को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, डी प्लस टू का क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डी की जगह पे रिप्लेस कर देंगे डी प्लस टू, इस टू को ऐड कर दो, ठीक है। माइनस फोर जहाँ पे डी है वहाँ पे भी अगेन रिप्लेस करेंगे हम क्या करेंगे, डी प्लस टू, ठीक है। प्लस फाइव वैसा की वैसा इंटू साइन जेड वैसा की वैसा, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तुमको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ई रेस टू ट्वाइस जेड वैसा की वैसा वन अपॉन, यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है डी प्लस टू का ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से फार्मूले से, तो डी स्क्वायर प्लस टू डी इंटू, मतलब टू डी मतलब कितने हो जाएंगे, फोर डी प्लस टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर होता है, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। उससे सॉल्व किया, माइनस इस माइनस फोर डी को अंदर ले जाता हूँ, क्या होगा, माइनस का फोर डी, ये माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस फोर इंटू टू कितना आ जाएगा, माइनस का एट प्लस फाइव, ठीक है। और ये साइन जेड वैसा की वैसा, ठीक है।
अभी यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ई रेस टू टॉय जेड, ठीक है, वन अपॉन, इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, डी स्क्वेयर वैसा की वैसा, ए प्लस 4d माइनस 4d गेट कैंसर, ठीक है। अभी देखो 4 और 5 कितने हो गए, 9, 4 और 5 कितने हो गए, 9, 9 में से ऐड गए तो कितने बचे स्टूडेंट्स, 9 में से ऐड गए तो 8, 1 बचा, ठीक है, ओनली 1 बचा, इंटू साइन जेड वैसा की वैसा, ठीक है। अभी तुमको पता होगा स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे जब जब साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी इस टाइप आता था, तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, लगे तो वो केस बता देता हूँ मैं तुमको, ठीक है, वो केस मैं तुमको बता देना चाहता हूँ, जब हमारी इस टाइप की केस आती थी तो हम कैसे रिप्लेस करते थे उसको, ठीक है। ये देखो साइन ए एक्स प्लस बी इस टाइप की अगर केस आती थी, याद करना, तो हम जहाँ पे डी है वहाँ पे क्या पुट कर देते थे, इस ए को पुट कर देते थे, ठीक है, और माइनस का साइन आगे लगा देते थे और उसका क्या कर लेते थे, हम स्क्वेयर कर लेते थे। तो इसी प्रकार प्रोसेस चलेंगे हमारी, यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, साइन जेड है ना, तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, साइन ए जेड होता रहता ना, तो साइन 1 जेड है, ठीक है। तो जहाँ पे डी है वहाँ पे उसको रिप्लेस करेंगे और माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है, जहाँ पे डी स्क्वेयर रहता था वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे डी स्क्वेयर रहता था वहाँ पे, ठीक है, ये देखो डी स्क्वेयर रहता था वहाँ पे, ठीक है। अगर तुमको ये नहीं पता होगा तो मैं इसकी वीडियो लेक्चर्स तुमको देखने पड़ेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे आइटम में वो वीडियो लेक्चर्स की लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है, तो तुमको वहाँ से वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ई रेस टू टॉइस जेड, ठीक है, 1 अपॉन, जहाँ पे डी स्क्वेयर वहाँ पे इस 1 को रख दो, ठीक है, लेकिन माइनस का साइन लगा दो, तो 1 का क्या होगा, स्क्वेयर होगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन जेड, 1 का स्क्वेयर 1 कितना होता है स्टूडेंट, 1 का स्क्वेयर कितना होता है, 1 ही होता है, तो माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0, तो चलेगा क्या हमें, नहीं चलेगा, तो ये नीचे 0 होता है, तो हम क्या लगा देते थे, हम यहाँ पे आगे क्या लगा देते थे, एक्स लगा देते, लेकिन साइन जेड में तो क्या लगा देंगे, यहाँ पे आगे ऊपर जेड लगा दें, क्योंकि ये क्या हो रहा है, माइनस वन प्लस वन क्या हो रहा है, हमारी केस फेल हो रहे हैं, माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 1 ही होता है, ठीक है, और माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे 0 हो रहा है, तो ये केस हमारी क्या हो रही है, फेल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें जेड लगाना पड़ेगा ऊपर, ठीक है, तो एक जेड से प्लस करना पड़ेगा, तो हमारे पास ए चलेगा नहीं, ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं, ये हमारी कंडीशन फेल हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, ई रेस टू टॉइस जेड वैसा की वैसा, 1 अपॉन, मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस, ऊपर जेड से रिप्लेस कर रहा हूँ, इसका नीचे डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ठीक है, ऊपर जेड से रिप्लेस करो और उसका नीचे डेरिवेटिव लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऊपर जेड से रिप्लेस कर दूंगा, जेड इंटू साइन जेड, जेड इंटू साइन जेड, और ये आप इसका डेरिवेटिव लो, डी स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा स्टूडेंट, डी स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव लो, तो क्या होगा, 2d, सिर्फ 2d, और 1 का क्या हो जाएगा, 0, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2d, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या हो रहा था, इसको रखने पे 0 हो रहा था, इसलिए मैंने एक जेड से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, नहीं तो हम x से करते, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जेड है, इसलिए जेड से किया, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो ई रेस टू टॉइस जेड, ठीक है, अब ये जेड इंटू साइन जेड है, ठीक है, जेड इंटू साइन जेड है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ए जेड का कुछ मतलब नहीं, तो मैं क्या करूँगा, जेड अपॉन 2 वैसा की वैसा, ठीक है, तो ये 1 अपॉन d हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, 1 अपॉन d हो रहा है, इंटू साइन जेड हो रहा है, ठीक है, ये जेड अपॉन 2 वैसा की वैसा, और इसको क्या कर दिया मैंने, 1 अपॉन d, हमें पता है 1 अपॉन d क्या होता है, इंटीग्रेशन, और 1 अपॉन d क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किसका लेना है हमें, साइन जेड का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड कितना होगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड कितना होगा, माइनस का कॉस जेड होगा, क्या होगा, माइनस का कॉस जेड होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ई रेस टू टॉइस जेड, यहाँ पे क्या होगा, जेड बाय 2 इंटू माइनस कॉस ऑफ जेड, ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। लगे तो मैं इस माइनस के साइन को आगे ले लेता हूँ, ये पूरा मल्टीप्लाई में ना, तो माइनस के साइन को आगे ले लिया मैंने, ठीक है, तो इसको इस प्रकार लिख लेता हूँ, जेड को भी आगे लिख लेता हूँ, ई रेस टू टॉइस जेड इंटू यहाँ पे क्या है, कॉस जेड, और इस 2 को नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, पूरा कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है।
वी कॉल दिस इक्वेशन नंबर, कितना इक्वेशन नंबर हमारा है 4। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अभी कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखेंगे हम अभी, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हेंस हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज, तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो सी एफ कितना था स्टूडेंट्स, उसको लिख लेते हैं हम। सी एफ हमारा क्या था, तो ये हमारा सी एफ था, सी एफ क्या था, सी वन कॉस जेड प्लस सी टू साइन जेड। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं हम। ठीक है, क्या होगा, सो देयर फोर वाई इज इक्वल टू कितना है, सी वन कॉस जेड प्लस सी टू साइन जेड। ठीक है, इंटू ई रेस टू ट्वाइस जेड। ठीक है, और पी आई तो अभी निकाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लस पी आई कितना है, माइनस जेड बाई टू ई रेस टू ट्वाइस जेड इंटू कॉस जेड। ठीक है, अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बनाने के बाद इसको हम रिप्लेस कर देंगे, जहाँ जहाँ पे जेड है उन टर्म्स को एक्स की टर्म्स में रिप्लेस करना है। ये लास्ट में तुमको भूलना नहीं है आंसर में। ठीक है, तो ये लास्ट में तुमको भूलना नहीं है, इसीलिए मैंने तुमको बताया था जब हम यहाँ पे पुट करते हैं ना, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू जेड, जेड इक्वल्स टू लॉग एक्स, जहाँ जहाँ पे टर्म्स है अभी जेड के टर्म्स है इसको रिप्लेस कर देंगे इनके अनुसार। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, वैसे लगा दो वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू सी वन कॉस बी जेड, जेड कितना है स्टूडेंट, देखो कॉस जेड है ना यहाँ पे, तो जेड कितना है लॉग एक्स, तो उसको रिप्लेस करो, जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस, ये भूलना नहीं है। ठीक है, जहाँ पे जेड के टर्म में उनको एक्स के टर्म में रिप्लेस करना, साइन जेड, जेड कितना है लॉग एक्स लॉग एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ई की पावर में टू जेड, ई की पावर में जेड कितना है एक्स से, तो ई की पावर में टू जेड क्या होगा एक्स ए स्क्वायर, तो क्या होगा इधर एक्स का स्क्वायर माइनस जेड, जेड कितना है अगेन स्टूडेंट्स लॉग एक्स, क्या है लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स अपॉन यहाँ पे क्या है टू। ठीक है, ई की पावर में टू जेड, ई की पावर में जेड एक्स होता है, ई की पावर में टू जेड क्या होगा एक्स का स्क्वायर, क्या होगा एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस, नीचे लिख लेता हूँ मैं कॉस इंटू कॉस ऑफ जेड, जेड कितना है हमारा लॉग एक्स, और ये हमारा क्या हुआ फाइनल आंसर। तो इस प्रकार तुमको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो लास्ट में जब भी जेड की टर्म्स को इन टर्म्स ऑफ एक्स में रिप्लेस करना मत भूलना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी प्रोसेस होती है कोई भी कॉची होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। ठीक है, इस प्रकार प्रोसेस होती है। अभी तुमको मैं और एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। ठीक है, दो एग्जांपल से तुमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम अभी। तो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, देखो कॉची होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ही है, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से तो एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर एक्स इधर भी एक्स। ठीक है, तो समझ जाना ये कॉची होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो वैसे ही फोर हम गिवन लिखेंगे, गिवन जो दिया है वो लिख लिया। ठीक है, गिवन जो है वो लिख लिया, देन पुट क्या करते हैं हम एक्स इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं, रिप्लेस क्या करते हैं ई रेस टू जेड, और जेड इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं लॉग एक्स। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। ठीक है, बार बार ये प्रोसेस अप्लाई करने का। ठीक है, डायरेक्ट लिखने का, सो दैट हमारे पास एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स डी वाई। ठीक है, और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तक ही टाइम है ना, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा डी इंटू डी माइनस वन वाई। ठीक है, ये सभी वैल्यूज अभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, इसमें पुट करने के बाद वी हैव, हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर रहे हैं हम ए वाली टर्म, तो क्या कर दिया हमें डी इंटू डी माइनस वन वाई। ठीक है, अभी ये माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे माइनस एक्स, ये देखो किधर है हमारी एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा डी वाई। ठीक है, डी वाई प्लस ए वाई वैसा की वैसा। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, लॉग एक्स
लॉग एस की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, लॉग एस इज इक्वल टू जेड, क्या है जेड, तो वो हमारा जेड वैसा कि वैसा है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इधर भी वाया था, इधर भी वाया था, इधर भी वाया था, सब में से वाई को कॉमन ले लिया, तो ये डी का स्क्वेयर हो गया, ठीक है। डी इंटू वन कितना होगा डी, ठीक है, माइनस का डी, और ये माइनस का डी वैसा कि वैसा, अभी ये वाया यहाँ से बाहर निकला है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, वन बच जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे भी वाया था, यहाँ पे भी वाया था, यहाँ पे भी वाया था, तीनों में वाया था, कॉमन ले लिया था, यहाँ का वाई चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, वन बच जाएगा, यहाँ का वाई चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, डी बच जाएगा, और यहाँ का चला गया, ये सॉल्व किया इसको अंदर ब्रैकेट, डी का स्क्वेयर माइनस का डी, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया तो इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स, डी स्क्वेयर माइनस माइनस डी माइनस डी कितने हो गए, माइनस टू डी प्लस वन, प्लस वन में ऐसा के वैसा वाई और इक्वल्स टू जेड, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वेयर का, तो डी स्क्वेयर माइनस टू डी प्लस वन क्या होगा, डी माइनस वन का होल स्क्वेयर, ये फार्मूला होता है हमारा, ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर, तो उसके साथ इसको कंपेयर करो इसके साथ, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, तो डी माइनस वन का होल स्क्वेयर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, बी की जगह क्या हमारा वन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, हमें पता है दैट इज इसका मीनिंग क्या होता है हमारा स्टूडेंट्स, पता है ना, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू हम क्या मानते थे, कैपिटल जेड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अभी क्या आ गया, जेड आ गया। तो अब इसके बाद क्या निकालते हैं हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर निकालेंगे तो यहाँ पे डी की जगह रिप्लेस हो जाएगा ये हम, तो ये एम माइनस वन का होल स्क्वेयर, अभी ये टू टाइम्स है, तो ये एम माइनस वन इंटू ये एम माइनस वन टू टाइम था, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का वन उधर जाके क्या कहूँगा, प्लस का वन, और ये माइनस का वन उधर जाके क्या कहूँगा, प्लस का वन, तो दो रूट मिले हमें, एम वन और एम टू, दोनों रूट सेम है क्या, नहीं दोनों रूट सेम है, तो रियल एंड इक्वल रूट, क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो हमें पता है रियल एंड इक्वल रूट्स रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंपल जो दोनों रूट रहते हैं उसको क्या मान लेते हैं, हम एम मान लेते हैं, तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा वन, ठीक है, एक रूट मिला है हमें, वन रूट मिल गया, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट से, तो रियल एंड इक्वल रूट रहता है, तो देन सी एफ कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, सी एफ इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, यहाँ पे एक्स लिखते थे याद है ना, लेकिन अभी इन टर्म्स ऑफ क्या हमारा जेड है, तो इन टर्म्स ऑफ जेड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम जेड, ठीक है, सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस ई रेस टू एम एक्स लिखते थे, तो यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे हम जेड, ए मत भूलना, ठीक है, यही यहाँ की इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे जेड, यहाँ पे भी जेड, तो यहाँ पे ई एम हमारा, ई एम कितना है वन, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, ई एम इंटू जेड इंटू वन कितना होता है, जेड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वन प्लस सी टू जेड ई रेस टू क्या होगा, जेड, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, सी वन ई रेस टू जेड प्लस प्लस यहाँ पे सी टू जेड इंटू ई रेस टू जेड, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये ब्रैकेट के साथ, अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जेड वैसा कि वैसा, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इधर भी वाया था, इधर भी वाया था, इधर भी वाया था, सब में से वाई को कॉमन ले लिया, तो ये डी का स्क्वेयर हो गया, ठीक है, डी इंटू वन कितना होगा डी, ठीक है, माइनस का डी, और ये माइनस का डी वैसा कि वैसा, अभी ये वाया यहाँ से बाहर निकला है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, वन बच जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे भी वाया था, यहाँ पे भी वाया था, यहाँ पे भी वाया था, तीनों में वाया था, कॉमन ले लिया था, यहाँ का वाई चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, वन बच जाएगा, यहाँ का वाई चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, डी बच जाएगा, और यहाँ का चला गया, ये सॉल्व किया इसको अंदर ब्रैकेट, डी का स्क्वेयर माइनस का डी, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया तो इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स, डी स्क्वेयर माइनस माइनस डी कितने हो गए, माइनस टू डी प्लस वन, प्लस वन में ऐसा के वैसा वाई और इक्वल्स टू जेड, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है ए माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वेयर का, तो डी स्क्वेयर माइनस टू डी प्लस वन क्या होगा, डी माइनस वन का होल स्क्वेयर, ये फार्मूला होता है हमारा, ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर, तो उसके साथ इसको कंपेयर करो इसके साथ, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, तो डी माइनस वन का होल स्क्वेयर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, बी की जगह क्या हमारा वन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, हमें पता है दैट इज इसका मीनिंग क्या होता है हमारा स्टूडेंट्स, पता है ना, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू हम क्या मानते थे, कैपिटल जेड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अभी क्या आ गया, जेड आ गया। तो अब इसके बाद क्या निकालते हैं हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर निकालेंगे तो यहाँ पे डी की जगह रिप्लेस हो जाएगा ये हम, तो ये एम माइनस वन का होल स्क्वेयर, अभी ये टू टाइम्स है, तो ये एम माइनस वन इंटू ये एम माइनस वन टू टाइम था, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का वन उधर जाके क्या कहूँगा, प्लस का वन, और ये माइनस का वन उधर जाके क्या कहूँगा, प्लस का वन, तो दो रूट मिले हमें, एम वन और एम टू, दोनों रूट सेम है क्या, नहीं
दोनों रूट सेम है, तो रियल एंड इक्वल रूट क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हमें पता है रियल एंड इक्वल रूट्स रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंपल जो दोनों रूट रहते हैं उसको क्या मान लेते हैं, हम m मान लेते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1, ठीक है, एक रूट मिला है हमें, 1 रूट मिल गया, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो रियल एंड इक्वल रूट रहता है तो देन सी एफ कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, सी एफ इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, यहाँ पे x लिखते थे याद है ना, लेकिन अभी इन टर्म्स ऑफ क्या हमारा z है, तो इन टर्म्स ऑफ z है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम z, ठीक है, सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस ई रेस टू एम एक्स लिखते थे, तो यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे हम z, ए मत भूलना, ठीक है, यही यहाँ की इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे z, यहाँ पे भी z, तो यहाँ पे m हमारा m कितना है 1, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, m इंटू जेड इंटू 1 कितना होता है, जेड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वन प्लस सी टू जेड ई रेस टू क्या होगा जेड, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, सी वन ई रेस टू जेड प्लस प्लस यहाँ पे सी टू जेड इंटू ई रेस टू जेड, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये ब्रैकेट के साथ। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, देन सी एफ इज इक्वल टू फाइनली सी वन ई रेस टू जेड प्लस सी टू जेड ई रेस टू जेड, ठीक है, हमारा क्या हो गया सी एफ। नाउ हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, पी आर, क्या निकालते हैं पी आर, तो पी आर कैसे निकालेंगे हम इसका स्टूडेंट्स, पी आर इज इक्वल टू वन अपॉन डी माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू जेड, ठीक है, याद है ना हम पी आर कैसे निकालते थे, याद है क्या तुमको, पी आर इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू कैपिटल, यहाँ पे क्या लगाते थे जेड, कैपिटल एक्स होता था लेकिन अभी हम जेड की बात करें तो इसलिए कैपिटल जेड, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल जेड की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, इसके साथ कंपेयर करो राइट साइड में कितना है, जेड ही है, ठीक है, तो ये जेड है, ठीक है। और एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी कितना है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ डी हमारा डी माइनस वन का होल स्क्वायर, तो क्या है डी माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करने की टेक्निक पता है क्या तुमको, मैंने तुमको बताया था जब हमारा ये टाइप आता है तो ये टाइप कौन सी रहती है हमारी, पर्टिकुलर इंटीग्रल की थर्ड केस बताई थी मैंने, देखो ये वाली केस इस टाइप की, अगर x वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स, एक्स की पावर में एफ, ठीक है, इस टाइप की टर्म, तो यहाँ पे जेड की पावर में यहाँ पे क्या है वन है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है जेड है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करते थे एफ ऑफ डी का इन्वर्स बनाने की कोशिश करते थे। तो मैंने तुमको बोला था जो स्मॉलेस्ट पावर रहती थी, जो स्मॉलेस्ट पावर रहती उसको कॉमन लेने की कोशिश करने का, तो यहाँ पे d और माइनस वन है, तो स्मॉलेस्ट d की पावर में वन है और माइनस d की पावर में जीरो है ना, तो d की पावर में जीरो कितना होता है वन होता है, तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है वन है, ठीक है। अभी इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस के साइन को कॉमन लेंगे हम, ठीक है, तो इस वन को कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या है स्टूडेंट्स, स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे इसको कॉमन लेंगे तो स्क्वायर के साथ कॉमन निकलेंगे ना, इसको वन को कॉमन लेंगे, इस माइनस वन को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर के साथ कॉमन निकलेंगे, तो ये माइनस वन को कॉमन लिया तो माइनस वन का स्क्वायर के साथ कॉमन निकल गया, ठीक है, तो इसको बाहर निकल गया, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस माइनस वन को बाहर निकाला है, माइनस वन के स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिर्फ वन बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का है, अभी माइनस का बाहर निकला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस पे हो जाएगा अगेन प्लस, ठीक है, और ये स्क्वायर वैसा कि वैसा है, ठीक है, इसको समझ में आ चुका होगा, आई होप तुमको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है, इनटू जेड, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे हम, आगे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तुमको क्लियर हो चुका होगा ना ये कैसे निकाला हमने, इस माइनस वन को बाहर निकाला है, मतलब मैं बताना चाहता हूँ वन अपॉन यहाँ पे जो है माइनस वन को बाहर निकाल दिया, ठीक है, पर स्क्वायर के साथ निकलेगा ना, तो माइनस वन का होल स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, इस यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा वन बच जाएगा ना, इसको बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा वन, लेकिन यहाँ पे प्लस का डी है तो ये माइनस का डी हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा वापस प्लस कर देगा ऐसा, और ये स्क्वायर वैसा कि वैसा है, ठीक है। माइनस वन का स्क्वायर कितना आता है वन होता है, माइनस वन का स्क्वायर कितना आता है वन होता है, ठीक है। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे, अभी ये देखो वन अपॉन, अभी यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर कितना आ गया वन हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं, वन माइनस डी का स्क्वायर इंटू जेड वैसा कि वैसा है, ठीक है। अभी हमारी प्रोसेस रहती थी, ये सब होने के बाद इसको ऊपर खींचेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या होगा, ऊपर जाके इनवर्स में हो जाएगा, तो ये माइनस टू, ये प्लस का टू ऊपर जाके क्या क्या हो जाएगा माइनस का टू इंटू जेड वैसा कि वैसा, ठीक है। अभी तुम्हारे पास फार्मूला होता है, ए वाला फार्मूला, ठीक है, अभी मैं तुमको बताना चाहता हूँ ये फार्मूला कैसा होता है, देखो स्टूडेंट ध्यान से, ये फार्मूला होता है हमारे पास वन माइनस डी का पावर में माइनस टू है,
यहाँ पे वन माइनस डी का पावर में माइनस टू, तो इसको फॉर्मूला क्या, जब माइनस वन माइनस रहता है तो यहाँ पे क्या करने का, सभी लगा देने का प्लस, ठीक है। तो ये माइनस का टू है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, वन प्लस टू डी, क्या कर रहा हूँ, वन प्लस टू डी प्लस थ्री डी का स्क्वेयर प्लस फोर डी का क्यूब, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले की हेल्प से अभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये हमारा फार्मूला था, इसका फार्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अभी हमें इसको सॉल्व करना है ना, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, यहाँ तक प्रोसेस हो गई थी हमारी, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, तो क्या होगा, वन प्लस टू डी, आगे का क्यों नहीं लिखा मैंने, ध्यान से देखो, यहाँ पे आगे का लिखा ही नहीं मैंने, ये बाकी का लिखा ही नहीं, क्यों नहीं लिखा, इंटू जेड। अभी ये जेड को अंदर ऑपरेट करेंगे हम, तो यहाँ पे अगर मैं इसको भी लिख देता डी का स्क्वेयर, थ्री डी का स्क्वेयर, तो डी का स्क्वेयर मतलब डेरिवेटिव होता है हमारा, डी का स्क्वेयर मतलब कितना होता है, डेरिवेटिव, तो कितने टाइम डेरिवेटिव होता है, डी का स्क्वेयर मतलब टू टाइम डेरिवेटिव, तो डी स्क्वेयर किसका ऑपरेट करेंगे, अब जेड को ऑपरेट करेंगे अंदर यहाँ पे भी, तो मैंने उसको क्यों नहीं लिखा है, ध्यान से देखो, ठीक है, इस जेड के ऊपर ऑपरेट, तो टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ जेड कितना हो जाएगा, जीरो होगा ना, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वन होगा, अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ जेड कितना होता है, वन होगा, सिंपल, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव लेंगे वन का, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, जीरो, तो वापस वो अभी जीरो होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ तक ही टर्म ली, एक ही बार डेरिवेटिव तक लिया, ठीक है। सेकंड टाइम डेरिवेटिव में वो अपने आप वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए एंड सो ऑन कर दिया, ठीक है, जेड, ठीक है, अब तुमको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अभी ये जेड को अंदर ऑपरेट करो, ये जेड जाएगा वन के साथ, तो जेड इंटू वन क्या होगा, जेड प्लस जेड इंटू टू इंटू डी, ठीक है, मतलब टू डी इंटू जेड, ठीक है, इसको अंदर ऑपरेट करो एंड सो ऑन, बाकी का कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, ठीक है। अभी डी का मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ जेड कितना आता है, वन, वो लिख दिया है मैंने, ठीक है, तो जेड प्लस टू इंटू वन कितना आता है, टू, ठीक है, वो आगे यहाँ पे लिख दिया है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या हो गया, जेड प्लस टू, क्या हो गया, जेड प्लस टू, सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, देन हमारे पास जो सी एफ था, सी एफ हमारा ए था, सी वन ई रेस टू जेड प्लस सी टू जेड ई रेस टू जेड, वही लिख लिया मैंने, सी वन ई रेस टू जेड प्लस सी टू जेड ई रेस टू जेड प्लस पी आई, पी आई कितना है, जेड प्लस टू, ठीक है, यहाँ तक तुमको समझ में आ चुका। यहाँ पे स्टूडेंट्स बात क्या ध्यान में रखनी की, मैंने तुमको बोला है कि जहाँ पे जेड है वहाँ पे रिप्लेस करने का इन टर्म्स ऑफ किस में बनाने की कोशिश करने का, एक्स में, ठीक है, तो जहाँ पे जेड है वहाँ पे क्या रिप्लेस कर देने का, अब इन टर्म्स ऑफ एक्स में, ठीक है, तो तुमको मैंने बताया था एक्स, एक्स इक्वल टू क्या होता है, ई रेस टू जेड होता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, ई रेस टू जेड होता है, ठीक है, इसके साथ इसको कंपेयर करो, ठीक है, अभी मैं इसमें यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अभी एक्स इक्वल टू ई रेस टू जेड होता है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ई रेस टू जेड, ई रेस टू जेड सी वन एक्स हो गया, ठीक है, ई रेस टू जेड क्या होता है हमारा, एक्स होता है, ठीक है, देन प्लस सी टू जेड, जेड कितना होता है स्टूडेंट्स हमारा, जेड इक्वल टू क्या होता है, लॉग एक्स, क्या होता है, लॉग एक्स, और ई रेस टू जेड, ई रेस टू जेड क्या होता है, एक्स, ठीक है, वो हमने रिप्लेस कर दिया, प्लस जेड, जेड की जगह क्या रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट, जेड की जगह पे लॉग एक्स, तो लॉग एक्स, ठीक है, प्लस टू वैसा कि वैसा, ठीक है, यहाँ तक रिप्लेस हो चुका है हमारा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स में बनाने की कोशिश करना है तुमको, और बनाना ही है, लास्ट में आंसर वैसा ही निकलेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने यहाँ तक आंसर छोड़ दिया तो तुमको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखने का, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, वाई इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे भी एक्स था, यहाँ पे भी एक्स था, दोनों साइड में एक्स था, मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचा, यहाँ पे सी वन बच गया, प्लस सी टू लॉग एक्स, यहाँ का एक्स बाहर निकल गया, प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस टू, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार तुमको समझ में आ चुका होगा कि कोई भी कॉचिज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी मैं तुमको कुछ होमवर्क दे के जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, तुमने उन होमवर्क्स को ट्राई करना है, और मैं उनके आंसर भी नीचे लिख के दे रहा हूँ, तुमको होमवर्क के हिसाब से घर पे ट्राई करना है और कोशिश करना है इस प्रकार उसको सॉल्व करने की, ठीक है। ध्यान में क्या रखने का है तुमको, इन टर्म्स ऑफ जेड में लिखने का, इन टर्म्स ऑफ जेड है ना, उनको एक्स में रिप्लेस करने का नहीं भूलने का, और ये जो पुट करते हैं हम, रिप्लेस करते हैं, ये वाला पुट ऐसा एक्स इक्वल टू रेस टू जेड, जेड इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, ये पुट करना भी नहीं भूलना है, ठीक है। मैं तुम्हारे पास एक होमवर्क दे रहा हूँ, मैं ये वाली जो पुटिंग वैल्यू करते हैं हम, ठीक है, और ये वाला जो निकालते हैं एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखते हैं, डी वाई एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की जगह क्या रखते हैं हम, डी इंटू डी माइनस वन
वाई, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे वैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के हिसाब से हम उसको सॉल्व करना है, ठीक है। देन अभी मैं तुम्हारे पास कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उनको तुमको प्रैक्टिस से सॉल्व करना है, तुमको उससे वो तुम्हारे अच्छे से लिंक लग जाएंगे और तुम्हारे कोई भी एग्जांपल, एनी एग्जांपल, कौन सा भी एग्जांपल पूछा जाएगा एग्जाम में तो तुम उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, तुम्हारे पास ये होमवर्क है मैंने दिए हुए, ठीक है, ये फर्स्ट होमवर्क है तुम्हारे पास, सॉल्व एक्स स्क्वायर टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इजिकल टू लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। और मैं इसको इस प्रकार भी पूछ सकते हैं, इसकी जगह पे डी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी जगह पे डी भी लिख सकते हैं और सब में से वाई को कॉमन ले लिया है, ठीक है, इस प्रकार भी पूछ सकते हैं। इसका आंसर ए वाला दिया है, ठीक है, तो तुमको ए वाला आंसर, देखो आंसर देखो एक्स में आ रहा है, लास्ट में आंसर एक्स में आएगा, जहाँ पे जेड है उसको रिप्लेस कर देने का एक्स में, इन टर्म्स ऑफ एक्स में, ठीक है। वैसे सेकंड एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इजिकल टू एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, इसके भी आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स में आ रहा है, ठीक है। तो तुमको ये कोशिश करना है, तो तुमको यहाँ पे ध्यान में पता है ना, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या रिप्लेस करोगे, डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू वाई, ठीक है, इसकी जगह पे ये रिप्लेस करना है, मैंने तुमको बताया था, ठीक है। तो पावर में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रिप्लेस करते जाने का है, ठीक है, पुट करोगे तब, ठीक है। तो इस प्रकार तुमको होमोजेनियस लीनियर कॉचिस होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार हमारा कॉचिस होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होता है और ये प्रोसेस तुमको अप्लाई करनी है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे वीडियो लेक्चर्स को लाइक करो, शेयर करो और डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, धन्यवाद।